पिछले कुछ सालों से चाइना ने अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। वो ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में और इवन कुछ न्यूज हैंडल्स में चाइनीज प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना और इवन कुछ देशों के इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करने में चाइनीज इन्फ्लुएंस का रोल रहा है एज पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब इसी पे NYT ने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि नेवाइल रॉय सिंघम चाइनीज प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड में भी। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि सिंघम चाइनीज प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं, साथ ही में यूगर जेनोसाइड को भी डिनाई करते हैं। हालांकि इन सब पर सिंघम ने खुद के डिफेंड में ये कहा है कि वो सिर्फ पीस को प्रमोट कर रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपना इन्फ्लुएंस देशों में बढ़ाने के लिए इस तरह की पॉलिसी बना रहा है, और अगर ऐसा है तो भारत सरकार को इसको काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? Do let me know in the comment box.